सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर ऑल द बॉलीवुड अपडेट्स। इस साल बॉलीवुड को सबसे बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पर जिनको सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो है उनकी बिटिया जानवी कपूर और खुशी कपूर को। खैर आज श्रीदेवी के जन्मदिन के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए हम आपको बताते हैं कि क्यों श्रीदेवी थी एक बहुत अच्छी माँ। श्रीदेवी अपने करियर के पीक पर थी और तब अपनी बेटी की परवरिश के लिए उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और फिर खुशी के जन्म के बाद भी श्रीदेवी ने हमेशा अपने बच्चों को प्रायोरिटी दी। यहाँ तक कि उनकी ये कंडीशन थी कि वो शूटिंग तब भी करेंगी जब उनके बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हो, और वो हमेशा ध्यान रखती थी कि उनकी दोनों बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले और वो सबकी रेस्पेक्ट करे। क्या आप जानते हैं कि श्रीदेवी को फिट रहने के लिए कौन मोटिवेट करता था? उनकी बेटी जानवी। श्रीदेवी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जानवी जब छोटी थी तब उन्होंने श्रीदेवी से एक रिक्वेस्ट की कि वो वेट लूज करे और फिटनेस की ओर रुख करे, और श्रीदेवी ने उनकी ये फरमाइश पूरी की और वो रेगुलरली वर्कआउट करने लगी। बात करें जानवी की तो वो काफी समय से एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पर श्रीदेवी को ये बात कुछ भाती नहीं थी क्योंकि उन्हें लगता था कि जानवी स्ट्रांग नहीं है इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए, और श्रीदेवी चाहती थी कि जानवी डॉक्टर बने। पर जब श्रीदेवी को लगा कि एक्टिंग ही जानवी का पैशन है तब उन्होंने जानवी को एक्टिंग करने की परमिशन दे दी। और एक अच्छा पेरेंट अपने बच्चों को उनकी लाइफ उनके हिसाब से जीने देते हैं। अपने निधन से पहले श्रीदेवी जानवी की बर्थडे पार्टी की एक महीने पहले से ही प्लानिंग कर रही थी, और वो दुबई में मोहित मारवा की शादी के बाद इसीलिए रुकी थी ताकि वो जानवी के लिए शॉपिंग कर सके। पर अफसोस, जानवी अपना बर्थडे खुशी से मना नहीं पाई। हर हिंदुस्तानी माँ की तरह श्रीदेवी भी हर 3 दिनों में जानवी और खुशी के सर पर तेल मालिश करवाती थी ताकि उनके बाल स्वस्थ रहे। खैर, दोनों ही बहनों के बाल शायद इसी वजह से इतने खूबसूरत है। श्रीदेवी का दिल भी बहुत बड़ा था। फिल्म मॉम में उनकी कोस्टार सजल अली की माँ अब इस दुनिया में नहीं है, और मॉम की शूटिंग के समय श्रीदेवी ने सजल को अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट किया। और जब सजल इंडिया नहीं आ पाई फिल्म को प्रमोट करने पाकिस्तानी एक्टर्स पर बैन के चलते, तब श्रीदेवी उनको याद कर एक इंटरव्यू में रो भी पड़ी। और जब श्रीदेवी की डेथ हुई तब सजल अली ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, आई लॉस्ट माई मॉम अगेन टुडे।